के उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। मैं अभी हम लोग बात करने जाएंगे कि आज सुबह सुबह डैडी जी का वॉइस मैसेज आया था जिसमें उन्होंने बताया कल या परसों वो क्या करेंगे, हमारा ऐप कभी लॉन्च होगा उसका डेट बता देंगे। ठीक है, कल या परसों दोनों में से एक दिन वो हमको डेट बताएंगे। डेट बताने के बाद हमारा जो ऐप है माइनेट्स का, उसी के अंदर 300 प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है, तो उसी के अंदर पहला हमारा तीन ऐप रहेगा, उसी के अंदर पहला फर्स्ट ऐप रहेगा, सेकंड थर्ड, तीन ऐप रहेगा। पहला ऐप के बारे में बात करेंगे हम। पहला ऐप ऐसा रहेगा एनी टाइप ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स है, जो कि आपको 34 आप लोग को पीडीएफ दिया गया है, आप देखे होंगे। ये तो कुछ कम है और इससे भी ज़्यादा आने वाला है आने वाले टाइम में, और जो चीज़ आपने नहीं सोचा होगा वो भी हमारा ये ऑनलाइन पेमेंट में आएगा। ठीक है, ये हमारा पहला ऐप है। सेकेंड ऐप में हम जाएंगे, वो है हमारा सेलिंग एंड बाइंग एंड डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल्स, ये सारा चीज आएगा हमारा सेकेंड ऐप में। थर्ड ऐप हमारा जो रहेगा वो डैडी जी का फेवरेट है, इम्पोर्टेंट ऐप है उनके लिए, वो है हमारा खेती, हमारा फार्मर्स के लिए। फार्मर्स में कैसे सेलिंग करेंगे, वो बाइंग कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे हम खेती, कहाँ पे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो खेती करने से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, और उसको हम सेलिंग के लिए हमको जो अभी तक जो लोग बोल रहे थे खेती करने से लोगों को नुकसान होता है, लेकिन आज जब भी हमारा ये ऐप लॉन्च होना जाएगा उसके बाद आप सभी लोग को सहायता से हम लोग क्या करेंगे, खेडूत को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि आज खेडूत को बहुत सारा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अभी कोई भी टमाटर की बात करूंगा मैं, एक एग्जांपल देखेंगे, टमाटर हमारा मार्केट में बहुत ज्यादा रेट है लेकिन खेडूत को उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो वो सारा पैसा देने का और उसका जो उसने जो बेनिफिट उसने जो मेहनत किया था वो मेहनत का फल मिलने के लिए उसको हम आगे लेके जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा ऐप है दोस्तों, जो कि एक खेडूत को मतलब एक फार्मर को आगे कैसे लेके जाना है, हमारा तीसरा ऐप है। तो पहले ऐप लॉन्च होने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर हमारा सेकंड ऐप लॉन्च होगा, उसके बाद कुछ गैप देने के फिर तीसरा ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हमारा बहुत बड़ा खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए दोस्तों, और उसमें से कुछ लोगों को डैडी ने चुना है, वो लिस्ट भी आप लोग के सामने आ चुका है। कल सेकंड लिस्ट आया था, आज फर्स्ट लिस्ट आ चुका है, परसों और एक लिस्ट आने वाला है, आज और एक लिस्ट आने वाला है आज या कल के अंदर। तो तीन लिस्ट बनाया डैडी जी ने, और इसको माइनस के अंदर आप लोग जिन जिन का नाम है उसके अंदर उन सभी को कंपनी से कॉल आएगा, और आपको जो चुना गया है तो इसलिए कंपनी का कहना है, डैडी जी का कहना है, आप अभी तक कोई भी कंपनी में काम किए थे उससे हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा भी कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आप लोग दूसरे कंपनी में गए, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जाइए वहाँ पे भी जो भी आप करना था कर लिए, लेकिन अभी माइनेट्स के अंदर आपको चुना गया है इसलिए माइनेट्स के लिए ही काम करना है, इसके लिए आपको चुना गया, तो आप लोग से बातचीत करके ही आपका नाम दिया गया है, लिया गया है। तो आप सभी लोग को फिर से कॉल आएगा तो आप माइनेट्स में ही काम करना है दोस्तों, ना कि दूसरे कंपनी में काम करना है। ठीक है, उसके साथ साथ डैडी जी का किसी का भी कॉल आएगा कंपनी से, आप बात कर लीजिए, जो भी लोग लिस्ट में नाम है उन सभी लोग को ये एक चीज है सबके लोग बताना था। और दूसरा, आप लोग तो उनको बहुत जल्द 5 तारीख से पहले डैडी जी बताए थे, उसके हिसाब से 5 तारीख से पहले आप लोग देखे होंगे कुछ ऐड भी, लोग जाके विशाखापट्टनम में हर जगह जगह पे जाके हमारे माइनर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और मार्केट में बहुत अच्छे तरह से रेस्पॉन्स भी आ रहा है माइनर्स को। तो हम बहुत जल्द हमारा ऐप लॉन्च करेंगे, कल या परसों आपको डेट दिया जाएगा, वो डेट जिस दिन दिया जाएगा उसी दिन हमारा ऐप लॉन्च हो जाएगा। पहला ऐप लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड होगा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद थर्ड ऐप लॉन्च हो जाएगा। इसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, धीरे धीरे करेंगे हम, लेकिन उसको एक ऐसा करेंगे कि दुनिया देखे कि भारत के अंदर ऐसा कुछ माइनर्स बोल के एक प्रोजेक्ट है, उसको देखने के लिए लोग आए, और हमारा जो भी इनकम हो बाहर से सभी हमारा इंडिया के अंदर आना चाहिए। टैक्स बेनिफिट के में हमारा नंबर वन में हमारा कंपनी रहेगा, ये डैडी जी का सपना है, और हमारा जो भी माइनेट्स के अंदर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो धीरज रखिए और सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए माइनेट्स के अंदर, और माइनेट्स में फ्री हो चुका है आईडी, तो मैं बोलूँगा सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देके हम माइनेट्स दें, घर घर पे जाके दें, और हर घर पे हर जगह पे
क्योंकि देखिए दोस्तों रिचार्ज तो कहीं ना कहीं से वो लोग करते ही हैं, मोबाइल रिचार्ज हो, डिश टीवी रिचार्ज हो, कोई भी चीज हो वो लोग कहीं ना कहीं भी करते हैं। तो हमारे तरफ से करेंगे तो उनको क्या देगा, ये चीज लोगों को बता के आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और फ्री है तो किसी को कुछ जरूरत नहीं है कैंसिल लेने की, तो किसी का भी हम आईडी ले सकते हैं और लेके। मैं तो दोस्तों कि आपके गांव के अंदर आप काम कर रहे हैं तो शहर के अंदर काम कर रहे हैं, आपके सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, तो हर जगह पे। तो दोस्तों आपको बहुत जल्द ही माई नेट का ऐप मिलने वाला है। जैसा कि CMD सर ने आज ऑडियो में बताया है कि यह एक या दो दिन में आपको बता देंगे कि किस दिन ऐप लॉन्च होगा। तो दोस्तों आप माई नेट से आपको बहुत तेज़ी से इससे आप इसका प्रमोशन करेंगे और इससे जितना भी बड़ी टीम आप बनाएंगे उससे आपको ज़बरदस्त इनकम होने वाली है। दोस्तों माई नेट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसा कि उन्होंने बताया कि इसमें इसके अंदर ही तीन तरह के ऐप होंगे, और एक रिचार्ज के लिए, एक शॉपिंग के लिए और एक फार्मर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त आपको इनकम होने वाली है। और दोस्तों अभी आप जो माइनेट फ्री हो गया है, यहाँ पर आपको फ्री में टीम बनाना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, जिन लोगों को जो लोग चाहें तो अपना 25 रुपए से अपनी आईडी को टॉप अप कर सकते हैं तो उन्हें 125 रिवार्ड की कॉइन मिलेगी। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी आईडी एक्टिव है और आप उसे पूरी तरह से यूज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों जो माइनेड है इसमें जो न्यू यूजर हैं उनको लिंक पर टच करना है और उसके बाद जो पेज ओपन होगा उसमें टाइटल से लेकर फेस्टिवल तक सारी चीज़ें अपना जो भी डिटेल मांग रहा है वो भरकर सबमिट कर देंगे। तो आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, जो आप नंबर दिए होंगे उस पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपका KB नंबर, पासवर्ड और KGIN नंबर, ये तीनों चीज़ें होंगी। और उसे आपकी bo.in में जाकर यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और दोस्तों जो लोग पुराने हैं, जिन लोगों के पास सेविंग अकाउंट है, तो सबसे पहले उनको सेविंग अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद लिंक पर क्लिक करना है, दोनों एक ही ब्राउज़र में ओपन होना चाहिए। और उसके बाद जब ओपन होगा तो आपको वहाँ पर अपना केवल मोबाइल नंबर और फेस्टिवल, दो चीज़ें आपको भरनी है और उसके बाद सबमिट कर देना है। आपका माइनेट में रजिस्ट्रेशन हो गया। तो दोस्तों आपका जो माइनेट में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है, और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है और आपका रेफरल लिंक जनरेट हो जाता है और आप उससे अपने साथी को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को आप उस लिंक को शेयर कर सकते हैं और उसका भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो माइनेड है इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय किसान।